नमस्कार। पूछता है उत्तराखंड, आखिरकार क्या पूछता है उत्तराखंड? उत्तराखंड यह पूछता है कि आखिरकार बीजेपी की रणनीति से कांग्रेस में चिंता क्यों? आखिरकार क्यों कांग्रेस कह रही है कि 2016 की तरह कोई षड्यंत्र रचने की तैयारी में है बीजेपी? ऐसे में सवाल ये कि आखिरकार क्या गुल खिला रहे हैं भाजपाई? जो आरोप, जो इल्जाम ठीक नतीजों से पहले कांग्रेस लगा रही है, आखिरकार बीजेपी नेताओं की दिल्ली दौड़ संकेत क्या दे रही है? जेपी नड्डा से डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की मुलाकात, सीएम पुष्कर सिंह धामी की मुलाकातों का राज, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी किए गए दिल्ली तलब, क्या 10 मार्च के बाद कोई बड़ा फैसला ले सकती है बीजेपी? प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को बदले जाने की क्यों उड़ रही हैं चर्चाएं? गढ़वाल से क्या वाकई में किसी ब्राह्मण चेहरे की तलाश में इस वक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तलाश में जुटी हुई है? और क्या डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक उनमें से एक है जो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं? दिल्ली में बीजेपी नेताओं की आखिरकार मुलाकात के मायने क्या हैं? यह सवाल पूरा उत्तराखंड पूछ रहा है। आखिरकार सीएम और प्रदेश अध्यक्ष की पूर्व मुख्यमंत्रियों से मुलाकात किस ओर इशारा कर रही है? पिछले दिनों त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत से सीएम धामी की मुलाकात हुई, त्रिवेंद्र और निशंक से मदन कौशिक की मुलाकात हुई, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर भीतरघात के आरोप खुद बीजेपी के विधायकों ने लगाए थे। भीतरघात के आरोप लगे और मदन कौशिक दिल्ली पहुंचे, संकेत और संदेश क्या है? आज इसी पर होगी दिलचस्प चर्चा। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं दो बयान अपने मेहमानों की तरफ। निश्चित तौर पर जो भी कवायद यहाँ चल रही है उत्तराखंड के नेताओं का, चाहे दिल्ली जाना हो, चाहे दिल्ली वालों का इधर आना हो, ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कम से कम जिस तरह का षड्यंत्रकारी इनका दिमाग है, जिस तरह की कुत्सित मानसिकता के ये लोग हैं, तो कुछ ना कुछ तो इनके दिमाग में पक रहा है। पर हमें लगता है कि जनता इस बार इनको मौका देगी नहीं। उत्तराखंड में कांग्रेस इस तरह की कंफर्टेबल सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, कि जिस तरह का षड्यंत्र इन्होंने 2016 में किया, उस तरह के षड्यंत्र को अंजाम देने का इनको शायद बारी ना मिले या उसको अंजाम ना दे पाए। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस खुद सदमे में है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव को जीतेगी और स्पष्ट बहुमत के साथ, शानदार बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। हमें किसी प्रकार से खरीद फरोख्त की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस को अपना घर संभालना चाहिए। उनके घर के अंदर जिस प्रकार से फूट पड़ी हुई है और उनके अपने नेता ही नकारात्मक बयानबाजी कर रहे हैं, तो बेहतर हो कि कांग्रेस के नेता भाजपा पर उंगली उठाने से पहले अपने घर की ओर देखें और भाजपा के बारे में कोई बयान न दे करके अपने घर को संभालने की कोशिश करें। सवाल यही कि आखिरकार क्या गुल खिलाएंगी ये मुलाकातें और बीजेपी नेताओं की दिल्ली दौड़ के क्या है मायने? तमाम मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ और जानेंगे कि आखिरकार संकेत क्या है। क्या 10 मार्च से पहले भी कुछ बड़ा होने वाला है या फिर 10 मार्च की तैयारी हो रही है कि 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे और संकेत और संदेश उसमें जिस तरह का मिल रहा है कि वो नतीजे किसी के पक्ष में नहीं जाएंगे, क्योंकि मसला 1920 का होगा, यानी कि 31 और 32 वाला फेर भी हो सकता है जो 2012 में हुआ था। ऐसे में तोड़फोड़ की आशंका से भी बीजेपी और कांग्रेस के घर के भीतर इस वक्त आरोपों के तीर छोड़े जा रहे हैं। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी देहरादून से सीधा सुभाष गौड़ जुड़ेंगे, जो लगातार नॉन स्टॉप आप तक पल पल की खबरें पहुंचा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। लगातार उन्होंने पूरे इलेक्शन को बेहद गंभीरता से कवर किया, पूरे उत्तराखंड को। और साथ ही साथ हमारे साथ सुनीता जी जुड़ चुकी हैं, जो कि बीजेपी का चेहरा है, और साथ ही हमारे साथ कमलेश जी जुड़ चुकी हैं, जो कि कांग्रेस का चेहरा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुभाष, जरा हमें समझाइए और दर्शकों को समझाइए, ये खिचड़ी दिल्ली में पक रही है,
महक उत्तराखंड में महसूस हो रही है, लेकिन ये खिचड़ी पक क्या रही है, ये समझ से परे है। जरा जरा हमें ये समझाइए, नतीजे आए नहीं उससे पहले ये जीत का जंजाल, ये बवाल आखिरकार है क्या? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि बीजेपी में जिस तरीके से लगातार सभी बड़े नेता, पहले तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर पर उनसे मुलाकात करते हैं, उसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक के घर पर जाकर मुलाकातों का दौर शुरू होता है, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के घर पर जाकर मुलाकात का दौरा शुरू होता है और उसके बाद पहुंचता है दिल्ली, और लगातार जिस तरीके से सबसे पहले रमेश पोखरियाल निशंक जी हाईकमान से मुलाकात करने पहुंचे, हालांकि ये कहा जा रहा था कि एक औपचारिक मुलाकात है, चुनाव को लेकर कोई मुलाकात नहीं, और उसके बाद ठीक उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पहुंचते हैं, और आज जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली पहुंचे हैं, और कहा जा सकता है कि उनकी मुलाकात भी जेपी नड्डा के साथ साथ तमाम अन्य नेताओं के साथ भी है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो सुरग्राहट है वो उत्तराखंड में भी नज़र आ रही है, और उसके साथ ही कांग्रेस ज़रूर ये कयास लगाना शुरू कर रही है कि शायद बीजेपी 10 मार्च का इंतज़ार नहीं कर रही है, वो घबरा चुकी है और उसको लग रहा है कि शायद इस बार वो सरकार ना बनाए तो 2017 में जिस तरीके से उन्होंने खरीद फरोख की थी, विधायकों को खरीदने की कोशिश की थी, शायद उसी की तैयारियों में कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरीके से मतदान समाप्त होने के बाद ही बीजेपी के घर से कहीं आवाज़ें आई थी कि भीतरघात किया गया है, और केवल एक ही व्यक्ति ने नहीं बल्कि तमाम 4 से 5 ऐसे विधायक थे जो चुनाव मैदान में उतरे हुए थे, चुनाव लड़ रहे थे, और मतदान के बाद उन्होंने ये आरोप लगाया कि संगठन की ओर से बेहतर काम उनके लिए नहीं कराया गया और उनके विरोध के तौर पर काम किया और भीतरघात बहुत ज्यादा हुआ, जिसका खामियाजा बीजेपी को 10 मार्च को भुगतना होगा। तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष को उनके पद से हटाने की भी मांग की जा रही थी, और इसके साथ ही क्योंकि दो दो चीजें एक साथ नजर आ रही, तो कहीं ना कहीं अब स्थितियां कुछ साफ कह पाना अभी मुमकिन नहीं है। लेकिन थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहूंगा, क्योंकि ये कहानी जो है वो काफी दिलचस्प क्यों होती है, और मैं कमलेश जी और सुनीता जी के पास जाऊं। दो दो धुरंधर जो कभी एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे, 36 का नहीं 72 का आंकड़ा था, मैं नाम नहीं लूंगा, और दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और एक पूर्व मुख्यमंत्री की सरकार में वो कृषि विभाग संभालते थे, अब समझने वाले समझ गए। सुभाष, ये खिचड़ी पक क्या रही है? कोई कोशियारी कैंप का हुआ करता था, कोई खंडूरी कैंप का हुआ करता था, आज सारे कैंप एक साथ दिखाई दे रहे हैं और संकेत और संदेश ये देना चाह रहे हैं कि धामी नहीं तो कोई और उसमें निशंक खुलकर सामने आ रहे हैं, ये मसला मैं समझना चाह रहा हूं। केवल निशंक ही नहीं, ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आपने भी कहा कि पिछले दिनों वो एक दूसरे का चेहरा देखने पसंद नहीं करते थे, बिल्कुल सही बात है, और एक दूसरे को देखने के साथ ये कहा जा सकता है कि विरोधी ग्रुप के तौर पर भी देखे जाते थे, अब वो एक ही मंच पर एक साथ नजर आ रहे हैं, मुलाकातों का दौर हो रहा है, और कहीं ना कहीं हाईकमान से वो लोग पहले मुलाकात भी कर चुके हैं, और क्योंकि रमेश पोखरियाल निशंक सबसे पहले हाईकमान से मुलाकात करने पहुंचे, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी उनसे मुलाकात करने पहुंचे, और आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, तो कहीं ना कहीं खिचड़ी जरूर बीजेपी के अंदर पकती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस को डर कुछ और भी सता रहा है, कांग्रेस का जो डर है वो अलग है, कांग्रेस इस उम्मीद में है कि शायद 2017 में जिस तरीके से विधायकों को खरीदने की कोशिश की, सत्ता बनाने के लिए कुछ भी करने की कोशिश की, वो कोशिश शायद ये लोग मिलके ना कर रहे हो, लेकिन बीजेपी के अंदर की गणित अभी तक किसी के समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार बीजेपी खुद क्या करना चाह रही, बीजेपी के जो बड़े नेता क्या करना चाह रहे हैं। कमलेश मैडम, क्यों इतना परेशान है, क्यों इतना हैरान है? अब सुनीता जी बताकर थोड़ी ना करेंगे कि हम कर क्या रहे हैं, आप इस तरह बेवजह इल्जाम लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, 10 तारीख का इंतजार तो करिए ना, क्यों इतना डरे हुए हैं आप? सुभाष कह रहे हैं इतना बेचैन हो रहे हैं आप लोग, क्यों? देखिए, हम बेचैन नहीं हो रहे हैं, बल्कि आपका पूरा मीडिया तंत्र दिखा रहा है कि बेचैन तो भाजपा के नेतागण हो रहे हैं, उनको बड़ी बेचैनी सता रही है कि 10 तारीख को जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो वो सत्ता से बाहर होंगे, और इसीलिए वो लाइजनिंग करने पे लगे हुए हैं कि किस तरीके से त्रोड़ मरोड़ की राजनीति करके हम दोबारा से सत्ता में आ सके। तो इसलिए बेचैनी हम में नहीं है, बेचैनी तो भाजपा के खेमे में है, तभी तो उनको बार बार कभी दिल्ली तलब किया जाता है, कभी यहाँ लंच पे बुलाया जाता है, कभी ब्रेकफास्ट पे बुलाया जाता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। खैर, मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगी, परिवार का मामला है, ये किसको तोड़ेंगे?
किसको तोड़ेंगे बताओ तो सही आप मुझे, कौन है टूटने वाला आपके यहां, किसको तोड़ लेंगे जब आप कह रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ रहे हैं, कोई तो होगा ना जिसको तोड़ेंगे ये, वो कौन है किसको तोड़ेंगे ये? देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये उनका अपना पारिवारिक मामला है, इसमें मैं ज्यादा नहीं पढ़ना चाहूंगी क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये बेचैनी उनमें खुद है, क्योंकि बड़ा नेता और छोटे वर्कर भी ये जान चुका है कि अब हम सत्ता में नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो परेशान है। और भीतर घात के जो आरोप उन्हीं के विधायकगण उनके ऊपर लगा रहे हैं कि हमको अध्यक्ष ने या अन्य नेताओं ने हराने की कोशिश करी क्षेत्रों में, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई किसी को नहीं हराता है। जो आपने काम किया 5 साल, जो आपकी जो गलत नीतियां थी, जो आपने इस प्रदेश की जनता को बहला करके उनको जो है एक गुमराह करने की कोशिश करी, क्योंकि पूरे 5 साल आपने राज किया और जनता ने ये देखा कि आपने पूरे 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदलने का काम किया, आपने कोई काम नहीं किया। अभी ऐसे कई देशराज कनवाल जो हैं, कई संजय जी हैं, वो आपके यहाँ से बाहर निकलेंगे, 10 तारीख का इंतजार करिए, सिर्फ 10 तारीख का। अब मुझे एक बात सुनीता मैडम, सुना आपने, कमलेश मैडम कह रही हैं आप लोगों की जो पार्टी की फितरत है वो यही है, इतना बेचैन हो रहे हैं 10 तारीख का इंतजार करने से पहले तोड़फोड़ पर उतारू तो कि ढूंढो पकड़ लेना, जैसे ही नतीजे आए पकड़ लेना, रडार पे रखो, रडार पे रखो, देवप्रयाग वाले को भी, काशीपुर वाले को भी, सबको रडार पे रखो, जैसे आए उठा लेना। वो कह रही है ऐसे इल्जाम लगा रही है कमलेश मैडम, सुना आपने? चावला जी, यहाँ पे हमारी रमन बहन ने जो बात कही उनकी एक बात मुझे सबसे अच्छी लगी कि इनके परिवार का मामला है और ये खुद ही उसके बारे में सोच विचार करेंगे, तो मैं उसका इनके इस बात का रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि बिल्कुल सही बात है। और ये जो तमाम आंकलन लगाए जा रहे हैं, तमाम जो चीजें चल रही हैं, ये खाली बाहर से देखिए दिखता कुछ है होता कुछ है। और हमारी जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमारे जितने भी नेता हैं लगातार केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व से मिलते रहते हैं और ये सिर्फ 10 मार्च की बात नहीं है, आगे पीछे भी आपने देखा कि पूरे 5 साल हमारे हमेशा से ही ये हमारे एक वैचारिक पद्धति है कि हम लोग हर बात जो है अपने शीर्ष नेतृत्व से मिलते हैं, उनसे हर चीज जो है डिस्कस करते हैं और हम लोगों को जो भी मार्गदर्शन मिलता है, दिशा निर्देश होते हैं। सुनीता मैडम, मुझे कमलेश मैडम को थोड़ा सा समझाइए ना आप कि एक बेवजह इस तरह से इल्जाम लगा रहे हैं, आप तोड़फोड़ पर जानती है कि देखिए ऐसा है, भाजपा को कहीं पे कोई गुरेज नहीं है, कोई शंका नहीं है। 10 मार्च से पहले ही हम लोगों ने पुनः सत्ता बहुमत में आने का जो हमारा संकल्प था उसको हमने पार किया है और 10 मार्च को तो खाली मात्र घोषणा होगी, ये हम सब उस चीज के गवाह बनेंगे। और ये अति एक होता है ना ओवर कॉन्फिडेंट, जैसे हमारे हरीश रावत जी हो चुके हैं कि पहले ही उन्होंने जो नींबू मिर्च की जो पार्टियां देना शुरू कर दी है कि हमारी तरफ जो है एक स्ट्रेटजी वो ऐसी बना रहे हैं कि हमारी तरफ लोगों का इस तरीके से झुकाव हो जाए कि हम ही जीत रहे हैं। भाई ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा कौन सत्ता में आएंगे, कौन सरकार बनाएंगे, तो भविष्य की गर्व नहीं छिपा है। आपकी बार 60 पार है ना आपके, मैं समझ गया आप जो समझा रही थी, आपकी बार 60 पार, हमारा लक्ष्य 60 पार है और हमारी पूरी कोशिश भी है कि हम इस लक्ष्य को पूरा करें। और हमारी वो कौन है जो भीतर घात का इल्जाम, वो कौन है जो भीतर घात का इल्जाम आप ही के प्रदेश अध्यक्ष पर लगा रहे हैं, कौन है वो जी? क्या वो कमलेश है, तिलक चावला है, कौन है वो? नहीं, देखिए ऐसा है चावला जी कि जब भी चुनाव होते हैं ऐसी बहुत सारी चीजें उठती हैं और समय आने पे जो है ये बातें खत्म भी हो जाती हैं, कुछ चीजें सही पाई जाती हैं, कुछ गलत पाई जाती हैं, कुछ माहौल बनाया जाता है। अच्छा, तो ये सारे तमाम मतलब अंग है ये चुनाव से पहले, कुछ नया नहीं। जल्दी से आपका रिएक्शन, फिर सुभाष आपके पास आ रहा हूँ। कमलेश मैडम जी, सुनीता मैडम कह रही है कि आप सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव पका रहे हैं, रोज नींबू मिर्च की पार्टियां दे रहे हैं और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा, जीतता है। देखिए नीता जी ने खुद ही इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि बीजेपी में दिखता कुछ है और होता कुछ है, उन्होंने खुद ही मान लिया है इस चीज को लेकर के। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है और ना ही हम लोग बहुत ओवर रख रहे हैं हम गलत तरीके से, क्योंकि जो 5 साल का बीजेपी का कार्यकाल रहा उससे प्रदेश की जनता बड़ी त्रस्त थी, चाहे रोजगार को लेकर के कह लीजिए,
चाहे आप महिलाओं की महंगाई को लेकर के कह लीजिए, चाहे यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को लेके कहिए और शिक्षा विभाग को दिल्ली जाते हैं, सुनीता मैडम टोकती हैं, आप उनको टोक रही हैं, जाने दीजिए उनको दिल्ली। देखिए इतना मैंने पहले ही कहा आपको कि तिलक भाई के उनका पारिवारिक मामला है, वो कितनी बार दिल्ली बुलाते हैं, वो कितनी बार जाते हैं, ये उनका अपना मैटर है। अब देखिए हमारा तो सिर्फ इतना है कि 10 तारीख को कमलेश मैडम, आपके आपके एक नेता का कल कॉल आया मुझे मेरे पास, उन्होंने बोला कि दिल्ली के एक बड़े नेता 2016 वाले वो फिर से एक्टिव हो गए, नाम ले रहे थे वो उनका, बोले कि वो दिल्ली से एक्टिव हो गए फिर से जो 2016 में आए थे। आप बताइए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं तिलक जी, काट की हंडी एक बार चढ़ती है बार बार नहीं चढ़ती। अब ये तोड़फोड़ करेंगे तो आपको लग रहा है भाजपा ने 2016 में जल्दी से क्लियर करी फिर मेरे साथ और देश भी जुड़ गए, आप भी जानते हैं आप लोग तोड़फोड़ तो नहीं करेंगे ना, सीधी सीधी पूछ रहा हूँ आपके सामने, वो कमलेश मैडम कह रही है इनसे पूछ लो कि तोड़फोड़ करेंगे कि नहीं करेंगे तोड़फोड़। सुनीता मैडम, सुनीता मैडम जी जी नहीं नहीं देखिए ऐसा है, ये जिस पार्टी का ये विजन रहा है वही इस बारे में जाएंगे सोचेंगे। तोड़फोड़ की राजनीति हमेशा कांग्रेस में रही है और यही लोग ऐसा दिमाग लगाते हैं। हम तो ये सोच रहे हैं, हम तो ये समीक्षाएं हमारी पार्टी में चल रही हैं कि अब हम लोग 10 मार्च के बाद कैसे अपने जो हमारे एजेंडे हैं उनको जनता तक पहुंचाएंगे, कैसे हम सत्ता में आने के बाद क्या क्या हमारे जो पुराने जो कुछ कार्य हमारे पेंडिंग थे। 2016 में जो विधानसभा के अंदर हुआ वो किसी से छुपा नहीं है और वो कितने किया ये भी किसी से नहीं छुपा, तो इस प्रदेश की जनता ने देखा है और प्रदेश की जनता यही देखिए ऐसा है सोच करके एक बार वोटिंग करी है। आपकी पार्टी की ही उपज थी और वो आज आपकी पार्टी में सुशोभित है, ये भी आप अच्छे से जानते हैं जिन्होंने ये सब किया। अच्छा, तो ये आप बीजेपी में मैं आपका सम्मान करती हूँ कि आप एक ऐसी पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं जिसको केवल जुमलेबाजी करने के अलावा को जोड़ रहा हूँ मोदी के नाम पे वोट दे दीजिए, तो यहाँ के विधायक और मंत्री 5 साल तक क्या कर रहे थे ये भी मैं बताता हूँ क्या कर रहे थे। मैं बताता हूँ, आप रुकिए ना, मैं अपने सहयोगियों के पास जा रहा हूँ। एक मिनट कमलेश मैडम एक मिनट, सुनीता मैडम गुस्सा नहीं, सुनीता मैडम गुस्सा नहीं, कमलेश मैडम एक मिनट, मैं अब देश मोटियाल और सुभाष गोड़ को जोड़ रहा हूँ। एक मिनट सुनीता मैडम एक मिनट, कमलेश मैडम किसी ने बताया था मुझे कि उत्तराखंडियत का कत्ल कर दिया, पीठ में छुरा घोंप दिया उत्तराखंड के, उत्तराखंड को दागदार और कलंकित कर दिया, उत्तराखंड को दो राहे पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं उत्तराखंडियत की लड़ाई लड़ रहा हूं, यही कहते थे ना हरीश रावत जी, और जिसने उत्तराखंडियत का कत्ल किया 8x8 के कमरे में लाकर खड़ा करके पार्टी ज्वाइन करवाई थी, जिसने उत्तराखंडियत का कत्ल किया था, यही है ना हकीकत। उत्तराखंडियत का कत्ल करने वाले को आपने माफ कर दिया, देखिए आपने देखा होगा तिलक जी की 8x8 के कमरे में खड़ा होने का मतलब ये तो नहीं है, उनको देखिए वंचित भी कर दिया, उन्होंने जो गलती की थी उसको एक्सेप्ट किया। आप कौन होते हैं माफ करने वाले, आप कौन होते हैं माफ करने वाले। जब आपने कहा कि उत्तराखंडियत का कत्ल हुआ, जब उत्तराखंडियत का कत्ल हुआ तो उत्तराखंडियत का कत्ल हुआ, ये कांग्रेस का कत्ल नहीं हुआ था, ये हरीश रावत की सरकार का कत्ल नहीं हुआ था, ये कत्ल हुआ था उत्तराखंडियत का। किस उत्तराखंडियत का झंडा उठाते हैं आप लोग, आप किस उत्तराखंडियत का झंडा उठाते हैं, जब आपने उत्तराखंडियत का कत्ल करने वाले को, जो आप लोगों की जुबान है, आपने 8x8 के कमरे में लाके खड़ा किया और उसकी बहू को टिकट दे दिया आपने कि जाके चुनाव लड़ो, और कमलेश रावत जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता सिर्फ झंडा उठाते रह गए, आप जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता सिर्फ झंडा उठाते रह गए जिन्होंने ताउम्र गुजार दी कांग्रेस में, और भारी प्रत्याशी आकर खड़ा हो गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके
ससुर साहब, उनके ससुर साहब एक बड़े नेता हैं जिन्होंने उत्तराखंड का कत्ल किया था, इसलिए कमरेश अमन को टिकट नहीं मिला। क्या बातें करते हैं मैडम आप? देखिए मैं तो हकीकत बोलता हूँ। इसीलिए जब कोई गलती करता है, कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, वक्त आने पर उसको उसकी सजा जरूर मिलती है। और कमलेश रमन को टिकट मिल जाता 2016 में, उत्तराखंड नेता कत्ल किया लोकतंत्र की। अगर कमलेश रमन को भी टिकट मिल जाता उन मोहतरमा के साथ, तब मैं मानता कि कांग्रेस में न्याय हुआ। कमलेश रमन के साथ अन्याय नहीं, ये उत्तराखंडियत के साथ भी अन्याय था। अवधेश नोटियाल जी, सुभाष गौड़ जी, अवधेश जी, ये खिचड़ी पक क्या रही है दिल्ली में? सुनीता मैडम कह रही है कि अब की बार कोई चार्टर्ड प्लेन नहीं आएगा, कोई बस नहीं आएगी विधानसभा के बाहर, और किसी को होटल बुक नहीं करवाया दिल्ली में हम लोगों ने, कुछ ऐसा कुछ नहीं है इस बार, ऐसा कुछ नहीं होगा क्या? ऐसा ही है अवधेश जी जैसा दिख रहा है? देखिए तिलक जी, जैसा दिख रहा है ऐसा है नहीं। दिल्ली की जो दौड़ हो रही है, दिल्ली की दौड़ इसलिए हो रही है कि जो अगर 10 मार्च के परिणाम, जो अभी तक के परिणाम है, जो आप सोच रहे थे, जो मैं सोच रहा था, अगर परिणाम वैसे ही रहते हैं, भाजपा अगर 30 से 32 के बीच अटक जाती है, कांग्रेस अगर 32 से 34 के बीच अटक जाती है, तो उसके बाद की जो स्थितियां होंगी, जो 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 आगे की जो जो 6 सीटों को लेकर जो मार्जिन की स्थिति है, जो आपका और मेरा आकलन है कि जो बसपा की स्थिति, जो 3 सीटों को लेकर बसपा मजबूत है, जीत कर आ रही है, 3 सीटों पर निर्दलीय जीत कर आ रहे हैं, 1 सीट पर यूकेडी की स्थिति मजबूत है, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है वो मजबूत है, तो कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि वो फीडबैक दिल्ली में दिया जा रहा है कि ऐसे ऐसे स्थितियां हैं, हमारी इतने लोगों से बातचीत हो गई है, ये लोगों के नाम है जिनको लेकर तमाम जो रिपोर्टें हैं, चाहे वो सरकारी तंत्र की रिपोर्टें हों, चाहे वो निजी एजेंसी की रिपोर्टें हों, चाहे वो पार्टी कार्यकर्ताओं की रिपोर्टें हों, चाहे वो पत्रकारों की रिपोर्ट हो, उन रिपोर्टों के आधार पर ये लोग हैं जिनकी स्थिति मजबूत है और जो जीतने की स्थिति में है। अगर ये इनके इन प्रकरण 10 तारीख के बाद किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो ये वो लोग हैं जो हमारे साथ रहेंगे। इन लोगों से बातचीत हो गई है, इन लोगों की ये डिमांड है, इस डिमांड के आधार पर ये हमारी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो हमारी ये मतलब दोनों, देखिए बिल्कुल सभी रडार एक ही तरफ नहीं, बिल्कुल दोनों तरफ रडार पर है। मैं और सुभाष आज साथ में हम बैठे, हमने इस बारे में चर्चा भी की, हम दोनों एक दो पार्टी कार्यालय पर घूम कर आए, तीसरी पार्टी कार्यालय पर भी हम दोनों साथ गए थे, तो जो अंदर की बातें हैं कहीं ना कहीं वो चल पड़ी हैं। रिजल्ट भले ही तिलक जी 10 मार्च को निकलेगा, परिणाम 10 मार्च को निकलेगा, लेकिन अभी से जो संभावित प्रत्याशी हैं, जो भविष्य का सपना देख रहे हैं, जो उत्तराखंड का ताज अपने सर पर देखना चाहते हैं, उन्होंने शुरू से लॉबिंग शुरू कर दी है, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, सभी उन लोगों से बातचीत हो गई है। जो 8 लोग, जिन 8 लोगों की स्थिति मजबूत है, उन 8 लोगों से जो है बातचीत हो गई है, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, तो संभावित जो खाका है वो तैयार कर लिया गया है, और अब वही रिपोर्टें जो है दिल्ली में वो वाइंड अप हो रही है। कि सुभाष कौन कौन सी है अगर आप हमें बता पाए? जी बिल्कुल, अगर कहा जा सकता है कि इसमें कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, बसपा की भी कुछ सीटें नजर आ रही हैं, और उत्तराखंड क्रांति दल के साथ आम आदमी पार्टी, जो पहली बार उत्तराखंड में 70 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ी हैं, उनके भी एक प्रत्याशी की जीतने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि इसके अलावा ये केवल बीजेपी का ही टारगेट पे नहीं है, बल्कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इनसे बातचीत करने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि दोनों ही पार्टियाँ जरूर ये नारा दे रही हूँ, मीडिया के सामने ये बोलती हुई नजर आ रही हूँ कि हम पूर्ण बहुमत के साथ जीत रहे हैं, हम 60 पार का हमारा नारा, लेकिन अंदर से दोनों ही पार्टियां डरी हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से इस बार जो वोटर थे वो काफी साइलेंट उन्होंने वोटिंग की, और उसके बाद ये कहा जा सकता है कि जो अंदरूनी रिपोर्ट है, जैसे कि अवधेश जी ने बताया कि LIU की रिपोर्ट हो, पत्रकारों की रिपोर्ट हो, या फिर उनके पन्ना प्रमुखों की रिपोर्ट हो, बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता जिनको जिम्मेदारी दे रखी थी चुनाव में बेहतर चुनाव को चलाने की, संचालन करने की, उन सभी की रिपोर्टों को कलेक्ट करने की कोशिश ना केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी कर रही है, और उसी आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो निर्दलीय प्रत्याशियों की जीतने की उम्मीद जिन पर ज़्यादा बन रही है, या अन्य किसी दल के, छोटे दल हो जाए, उत्तराखंड क्रांति दल हो, बसपा की बात कर ले जाए हरिद्वार में, या फिर आम आदमी पार्टी की कुमाऊं मंडल की जो सीटें हों, उस पर कहीं ना कहीं दोनों ही दलों की नज़र है, और हाईकमान से लगातार मुलाकात और बातचीत इसी वजह से भी की जा रही है कि इन लोगों के जीतने के आसार ज़्यादा लग रहे हैं, और इन लोगों से मुलाकात इस स्तर पर की जा सकती, इन लोगों को इस तरीके से समझाया जा सकता, और क्योंकि 2012 में जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कि PDF एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आया था, कहीं ना कहीं ऐसी ही स्थिति इस बार 2022 के चुनाव में भी नजर आ रही है। लेकिन अवधेश जी, मैं यही समझना चाह रहा हूँ,
रमेश पोखरियाल निशंक का एक्टिव होना, क्योंकि कभी ये माना जाता था कि बीजेपी के घर के भीतर अगर कोई संकट मोचक है तो वो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक है। कभी होता था ऐसा जब 3D का फॉर्मूला चलता था बीजेपी में। मैं आ रहा हूँ सुनीता जी आपके पास इसी से जोड़कर, लेकिन अवधेश जी, ये निशंक जी का एक्टिव होने का मतलब क्या है, संकेत क्या है? देखिए बिल्कुल तिलक जी, जो अभी तक हमारे जो इनपुट्स हैं, तमाम जो बीजेपी ने अपना इंटरनल सर्वे और तमाम सर्वे के बाद जो बीजेपी का 60 पार का नारा था, वो 60 पार खींच तान के 38 से 40 पर अटक गया है। ये खुद पार्टी के लोग अंदर खाने मान रहे हैं। यही स्थितियां कांग्रेस के अंदर है। कांग्रेस भी अपने जो 37 से 38 सीटें मानकर चल रही है। तमाम जो उनकी लगातार बैठ गए हैं, तमाम यहाँ पर अटक गए हैं। अब इस अटकने के बाद ये तो पार्टी अपने स्तर से मान के चल रही है, लेकिन उनको पता है कि ये स्थितियां ऊपर जाने की बजाय नीचे आ सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में हर वो नेता प्रयास कर रहा है कि जो सबको साथ लेकर चल सकता है या जो इस तरह की संभावना कर सकता है। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक आपने कहा, बिल्कुल रहे हैं वो। अब इस मोदी और अमित शाह जी के आने के बाद जब से सत्ता आई है, स्थितियां चेंज हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर निशंक ये जताने का प्रयास जरूर कर रहे हैं कि मैं जो आपने जो मुझे तमाम जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी थी और तमाम मैं घोषणा पत्र समिति में रहा और उसके बाद ही मैं तमाम लोगों से फीडबैक कि मैं बीजेपी की सरकार बनाने को लेकर लगातार प्रयासरत हूँ और मैं प्रयास कर रहा हूँ और शायद मेरी इन मुझे जो लगता है जो मेरे इंटरनल जानकारी की ये चीजें जरूर सामने निकल कर आई हैं उस बैठक में कि तमाम इन लोगों से एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है कि हमारा कन्वे ये है और बाकी संभावित कि सरकार बनाने को लेकर मेरे स्तर से ये प्रयास। तो कहीं ना कहीं वो ये दिखाने की कोशिश में है बीजेपी आला कमान को लेकर कि डॉक्टर जो निशंक हैं, आप उन्हें ये मत सोचिए कि अगर वो उनकी वो केंद्रीय मंत्रालय से रुखसत हो गए हैं, यहाँ पर केवल घोषणा पत्र समिति, ऐसा नहीं है। आपने भले ही मुझे जिम्मेदारी नहीं सौंपी कुछ दी होगी, लेकिन मैंने अपने स्तर से इन लोगों से बात कर ली है। इन लोगों से बात करने के बाद ये फीडबैक मिला है जो लोग मिल सकते हैं, चाहे वो संजय डोभाल यमुनोत्री से हों, चाहे वो कुलदीप रावत केदारनाथ से हों, या यूकेडी के दिवाकर भट्ट हों, चाहे वो काशीपुर से दीपक बाली, इन सब लोगों से ये बातचीत हुई है और ये इस तरह का फीडबैक आया है। तो मुझे ये लगता है कि वो पूरा फीडबैक साथ में लेकर इस मुलाकात को हम केवल एक नॉर्मल मुलाकात नहीं दे सकते, एक औपचारिक मुलाकात इसको नहीं कहेंगे हम। कहीं ना कहीं ये मुलाकात पूरे फीडबैक वाली मुलाकात है, चाहे इसमें भीतरघात की बात रही हो, तमाम चीजें निकल कर आएंगी और जो तमाम मुझे संगठन के अंदर की जो चीजें दिख रही हैं, कहीं ना कहीं अगर ये स्थितियां वाकई नीचे की स्थिति आती है तो इतना एक्टिव उत्तराखंड में बीजेपी है। खैर सुनीता मैडम, कल मेरी और सुभाष की बात हो रही थी फोन पर, तो सुभाष ने बताया कि वहां पर जो हेलीपैड है, कह रहा है कि वहां पर एक चार्टर्ड प्लेन खड़ा है, वहां पर एक चार्टर्ड प्लेन खड़ा हुआ है। आप मुस्कुराइए नहीं, तो मैंने सुभाष को कहा वो तो 10 तारीख को खड़ा होना चाहिए, वो कह रहे हैं अभी से ही ट्रायल हो रहा है। तो मैडम इस बार चार्टर्ड प्लेन, बस, होटल, कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला ना? सुभाष चिंतित है बहुत। देखिए ऐसा है चावला भाई जी, सुभाष भाई अच्छे से जानते हैं कि चार्टर्ड प्लेन खड़े होने की जरूरत है या नहीं है, ये चीजें ठीक है, वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं, उनका स्वागत है, लेकिन हमारा यहाँ पे देखिए स्टेटस बिल्कुल क्लियर है। हमारे यहाँ पे देखिए भाजपा नगर में भी है, देहरादून में, देखिए भाजपा की यही एक खूबी है कि जब भी हम लोग को क्षेत्र में जाते हैं या कोई काम धरातल पर करते हैं तो उस कार्य के बाद हम समीक्षा जरूर करते हैं, उसके फीडबैक जानते हैं और फीडबैक। चुनाव चल रहा है, इतना ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड के नेता दिल्ली दौड़ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कमलेश मैडम इसलिए देखिए उत्तर प्रदेश में हमारे 70 लोग जो हैं स्टार प्रचारक के रूप में अपनी सेवाएं बखूबी दे रहे हैं और जो बाकी यहाँ पे हमारा शीर्ष नेतृत्व है या संगठन है उनका पूरा दायित्व है कि जितना भी फीडबैक हमारे पास आ रहा है हम लोग उसकी समीक्षा करें, उसके एनालिसिस करके हम लोग जो है स्ट्रेटेजी बनाएं, और ये हर पार्टी करती है। कुछ लोग पहले ही सीएम बन के ढोल पीटते हैं, वो अलग बात है, वो उनका और हमारा अंदाज है, हम लोग सही गलत। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है और दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं उत्तराखंड के नेता, और मैडम कह रही है कि नहीं ये चार्टर्ड प्लेन ट्रायल के लिए नहीं खड़ा अभी। उत्तर प्रदेश में हमारे योगी बाबा ही बहुत काफी है, मुझे नहीं लगता कि पूरा का पूरा उत्तराखंड जाना चाहिए। उत्तराखंड तो दिल्ली जा रहा है ना, वही तो बात। सुभाष अपनी बात रखिए, फिर कमलेश जी आपके पास आ रहा हूं। सुभाष सुना, सुनीता मैडम क्या कह रही है?
जी बिल्कुल सुनीता मैम नहीं बल्कि बीजेपी के सभी लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं और पिछले दिनों चुनाव से पहले ठीक मतदान से पहले ये बात कही जा रही थी 60 पार के नारे के साथ हम चुनाव मैदान में उतरेंगे, लेकिन चुनाव से ठीक एक हफ्ते पहले ये कहा जा सकता है कि 60 पार का नारे के जितने भी पोस्टर्स थे वो बीजेपी कार्यालय से गायब हो गए, वो पूरे प्रदेश के होर्डिंग से गायब हो गए, वो शहर से गायब हो गए और नए नारे के साथ बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी। तो उसके बाद ये अंदेशा लगाया जाना था कि जो 60 पार का नारा था वो कहीं ना कहीं बीजेपी खुद ही मान चुकी है चुनाव से पहले कि शायद इस बार उम्मीद वो ना की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी चुनाव जिस तरीके से मतदान हुए, मतदान के बाद से बगावती सुर जिस तरीके से नजर आए, उसके बाद बीजेपी के जो आसार थे 60 पार के वो और कम होते हुए नजर आ रहे। अब जिस तरीके से लगातार जो शीर्ष नेतृत्व है बीजेपी के या बड़े नेता हैं वो लगातार हाईकमान से मुलाकात कर रहे हैं और वो भी ये मान चुके हैं कि शायद इस बार जो स्थिति है वो 2012 की तरह बन सकती है, निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच सकते हैं और जब वो विधानसभा पहुंचे उससे पहले कहीं ना कहीं उनको कैप्चर किया जाना बहुत ज़रूरी है, तब जाके सरकार बनेगी। और ये केवल बीजेपी का ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी इसी राह पर चलती हुई नजर आ रही, कांग्रेस भी उम्मीद कर रही है कि शायद जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनको समर्थन देंगे और उनकी सरकार बनाने में उन्हें सहयोग करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2017 में बड़े स्तर पर कांग्रेस के कई विधायक छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और सरकार बनाने में उनको सहयोग भी मिला था, तो कहा जा सकता है कि ऐसी उम्मीद कहीं ना कहीं बीजेपी करती भी नजर आ रही है और यही वजह है कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं पूर्व मुख्यमंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक वो कहीं ना कहीं इसको लेकर पूरी पिक्चर बनाते हुए नजर आ रहे हैं और पिक्चर के बाद कहीं ना कहीं हालाकमान से मुलाकात से उनकी जो स्थिति थी वो और साफ होती हुई नजर आ रही। जी ओके सुभाष जी, इसमें ये भी सुभाष जी इसमें आपकी बात में ये भी जोड़ दूंगा कि जब जो बीजेपी के अंदर के जो लोग हैं वो ये भी तो अब कहना शुरू कर दिया कि जब 60 पार का ही नारा फ्लॉप हो गया और सरकार बनाने में अगर निर्दलियों की और औरों की सहायता लेनी है तो इसका अकेले तो फिर जब आप प्रदेश अध्यक्ष बदल सकते हैं तो क्यों नहीं जब 60 पार का नारा फ्लॉप हो गया तो एक नए चेहरे को मौका दिया जाए। बीजेपी के अंदर से भी अब ये चीजें लकल के आने बैठ गई, जो इन सबको घेर घार कर लाएगा और जो इन सबको मना बुझा कर लाएगा क्यों ना उसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। बिल्कुल, जो सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगा, जो लोगों को लाएगा, विधायकों को जोड़ेगा, निर्दलियों की संख्या जिसपे सबसे ज्यादा होगी, विधायकों की संख्या जिसपे सबसे ज्यादा होगी उस चेहरे पर भरोसा करने की कोशिश भी की जा रही है क्योंकि 60 पार का नारा तो गायब है। कि निशंक जी का एक्टिव होना समझ रहे हो ना, वो क्या समझा रहे हैं, वही तो समझा रहे हैं। सुनीता मैडम अपनी बात रखिए, फिर कमलेश जी आपके पास आ रहा हूँ, क्या कहना चाह रही थी आप बोलिए सुनीता मैडम। देखिए मैं सुभाष भाई को ये बताना चाहती हूँ कि 60 पार का नारा और लक्ष्य हमारा नारा ही नहीं था, हमारा लक्ष्य था और एक अच्छी परसेंटाइल के साथ में अपने आप को कॉम्पिटिशन में उतारना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जब हम अच्छी परसेंटाइल की बात सोचते हैं तभी जाके हम डिस्टिंक्शन प्राप्त करते हैं, ये हम सभी जानते हैं। और हमारा जो है 60 पार का, अच्छा तो मान रहे हैं आप, हम 100% यहाँ पे अच्छा रिजल्ट जा रहे आने वाला आप मान रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। और जो निर्दलीय की यहाँ पे बार बार बात होती है चावला जी, जो निर्दलीय की बात उठ रही है वो तो हमने जब हम 57 में थे तब भी हमने उनका स्वागत किया और आगे भी हम निर्दलियों का स्वागत करेंगे चाहे हम कम हो या ज्यादा हो। और हमारे तो निर्दलियों का स्वागत है, निर्दलियों का हमेशा हमारे भाजपा में, तो देखिए गेट ओपन है, डोर ओपन है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे लिए हमेशा उनका स्वागत किया है हमारी पार्टी में। 3132 निर्दलियों का स्वागत है, नहीं नहीं चाहे 50 हो, 55 हो, 57 हो, जितने भी हो उसके बाद भी अगर निर्दलीय, हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले जो भी बचे कुचे हैं कमलेश मैडम वो भी इंटरेस्टेड है आने के लिए। कमलेश मैडम आप देखा, आप आए ना सुनीता मैडम असली पॉइंट पर, वो कह रहे हैं कि हमने तो नारा दिया अब कहाँ आकर रुकेंगे वो बात अलग है, लेकिन पास जरूर होंगे हमें मालूम है और निर्दलियों का स्वागत था है और रहेगा। आप भी कोई दूध के धुले तो है नहीं मैडम, है ना, आप लोगों ने क्या किया 2012 में किया ना। देखिए मैं सुभाष जी की बात से बहुत सहमत हूँ, उन्होंने कहा कि 60 पार का जो नारा था वो पोस्टर पूरे शहर में पूरे चुनाव में गायब थे और आपने ही नहीं बल्कि बाकी और सब भी यही पूछ रहे कि वो 60 पार का जो नारा है वो कहाँ चला गया, उसमें वो जो बैनर पोस्टर जो विधायक लोग लगा रहे थे, जो कैंडिडेट लगा रहे थे, वो कहाँ चला गया, पूरे देहरादून में। दूसरी बात, एक पोस्टर नहीं मिला,
पूरे देहरादून में। जी जी नहीं मिला, 500 रुपए का पेट्रोल आपने भी मिला, आपको कोई पोस्टर नहीं मिला। पर नारा के बाद अभी नहीं था, दूसरी बात लेकर कह रही थी कि हम लोग समीक्षा करते हैं और इसीलिए हमारे नेता दिल्ली जाते हैं। अभी सुनीता जी ये बात कह रही थी, तो मुझे लगता है कि आप उत्तराखंड के नेताओं को जो पूरे 5 साल आपने काम नहीं किया इस प्रदेश की जनता के लिए, उसकी समीक्षा करने का मौका जनता ने दे दिया आपको। 10 मार्च को जनता आपको मौका दे रही है कि पूरे 5 साल आप समीक्षा करते रहे, उन 5 सालों की जो आपने धोखे से सरकार बनाई, जनता को गुमराह करके, लच्छेदार भाषण जुमलेबाजी करके जनता को गुमराह किया कि इस प्रदेश के अंदर रोजगार लाएंगे, महिलाओं को महंगाई से निजात दिलाएंगे, शिक्षा दुरुस्त करेंगे, स्वास्थ्य दुरुस्त करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। केवल और केवल शराब की जो दुकानें थी वैन में बिकवा दी। आप बताइए, हमारे हर सड़क पे, हर गली नुक्कड़ पे शराब के ठेके खुल गए। और दूसरी बात, आपने भी तो डेनिस ब्रांड घर घर पहुंचवा दिया, आपने कौन सा कम किया 5 साल जब आपको मौका मिला तो। मेरी बात पूरी हो जाए। और दूसरी बात, वर्तमान मुख्यमंत्री बने नहीं, उनके ऊपर तो इतना बड़ा आरोप लगा कि खनन प्रेमी है, तो आप ये सारी समीक्षा करने का वक्त आ चुका है और जनता ने आपको बहुत लंबा समय दिया है कि पूरे 5 साल आप समीक्षा करें और समीक्षा करके आकलन करें कि आपने क्या क्या गलतियां करी है इस प्रदेश के खिलाफ। क्योंकि प्रदेश चाहता है, यहाँ का युवा सुनीता जी, यहाँ का युवा चाहता है कि रोजगार मिले, यहाँ की महिलाएं चाहती है रसोई का जो गैस के दाम हमारे 1,000 रुपए हो जाए, यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली वो दुरुस्त हो जाए, यहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएं वो दुरुस्त हो जाए, ये चाहती है प्रदेश की जनता। लेकिन ऐसा कुछ भी 5 सालों में हमें नहीं दिखाई दिया। यहाँ के विधायक और मंत्री के नाम पे वोट नहीं मांगा आप लोगों ने, आपने मांगा दिल्ली के बड़े बाबा जी के नाम पर वोट, ये कहा कि बाबा जी के नाम पर वोट दे दीजिए। आपने यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री के नाम पर वोट नहीं मांगा। कमलेश जी, अच्छा चलिए छोड़िए, उत्तराखंड में कौन ऐसा मुख्यमंत्री रहा जिस पर आरोप ना लगे हों? कोई एक ऐसा एक मुख्यमंत्री, खनन प्रेमी तो सभी आरोप लगे, छोड़िए उस बात को। अब मैं ये बात पूछ रहा हूँ आपसे, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे वो एक अलग विषय है, वो आपकी पार्टी का मसला है, आप किसी को भी बनाइए, लेकिन वो जो कैबिनेट बनाकर घूम रहे हैं और जेब में पॉकेट में दो अलग अलग बताया जा रहा है कि दो लिस्ट है, एक इस पॉकेट में एक इस पॉकेट में, अब पूछा किसी ने कि ये दो, इंटरनल खबर बता रहा हूँ आपको, आप देखिए मुस्कुरा रही है, कि ये दो लिस्ट क्यों लेकर घूम रहे हैं रावत जी? उन्होंने कहा कि ये पूर्ण बहुमत वाली है और ये निर्दलीय वाली है। देखिए तिलक जी, बहुमत वाली और निर्दलीय वाली, ये क्या कहा? देखिए तिलक जी, क्योंकि आप मीडिया है, आप हमारे प्रदेश का, पूरे देश का चौथा स्तंभ है, तो आप ज्यादा बेहतर जानते हो, क्योंकि मेरी नॉलेज में तो वो दो लिस्टें अभी तक नहीं आई कि कौन सी जेब में पूर्ण बहुमत की लिस्ट है और कौन सी जेब में निर्दलियों की लिस्ट लेकर घूम रहे हो, ये तो बताइए, कैबिनेट अभी से बना के क्यों घूम रहे हो? जब तक लिस्ट का पता ना लग जाए। कमलेश मैडम जी, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बन रहे कि नहीं? देखिए, हमारा हाईकमान इस बात को तय करेगा और मुख्यमंत्री बनना ना बनना ये तो हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, वो तय करेगा। इस चीज को हमारे विधायक तय करेंगे। सुनीता मैडम बोलिए। आएंगे जी, सुनीता मैडम कुछ कहना चाह रही, बोलिए जल्दी से। रावला जी, ये तो बात बच्चा जानता है कि जो शीर्ष नेतृत्व होता है उन्हीं के ये विशेषाधिकार होते हैं, लेकिन ये बात हमारे हरीश बाबा जी को कौन समझाए, जो अपने सिर पे सीएम का तमगा ही रखे नहीं घूम रहे, ऊपर से घोषणाएं भी कर रहे हैं, पेंशन बढ़ा देंगे हम, ये घोषणा लागू करा देंगे। अरे अभी तो आप सीएम का दूर दूर तक अभी तक पार्टी का आपका अता पता नहीं है, मतलब फोबिया हो गया है कि भाई मुझे सीएम मानो, चाहे भाजपा आए चाहे कांग्रेस कोई भी आए, लेकिन मुझे ही सीएम मानो। तो ऐसा देखिए, इंदिरा जी के साथ वो हुआ था कि इंडिया वो हमारा सीएम लीडर है और बहुत ही सम्मानित है। सुनिए, जो उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर है और मुख्यमंत्री बनाना ये हमारा शीर्ष नेतृत्व का दायित्व है, विधानसभा रमन बहन एक प्रवक्ता है और उन्होंने नकार दिया कि ये
विशेषाधिकार शीर्ष नेतृत्व का है, हरीश रावत जी के कहने से कुछ नहीं होता। जब एक प्रवक्ता ने इस बात को नकार दे रहा है तो हरीश रावत कौन सी बात सुनीता मैडम छोड़िए ना साच को आज क्या, एक मिनट रुकिए। निशंक जी को, कौशिक जी को, त्रिवेंद्र जी को, तीरथ जी को साक्षी मानकर बोलिए कि धामी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, बात खत्म करिए। मैं तो पूरे उत्तराखंड को साक्षी मान के बोल रही हूँ कि धामी जी के नाम पे हमने चुनाव लड़ा, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ और वही हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। अब अगर देखिए क्या होता है, 10 मार्च को सुनिए वही मुख्यमंत्री बनेंगे। एक बार दोबारा से दोहरा दीजिए, एक बार दोबारा से दोहरा दीजिए, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं इसमें इसमें ये लाइन तिलक भाई, इसमें ये लाइन और तिलक भाई इसमें एक लाइन और जुड़वा दीजिए कि अगर अगर पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला, निर्दलीय और बसपा का समर्थन लेना पड़े तो भी धामी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये और जुड़वा दीजिए इसमें। धामी जी अपने वोटों से जैसे ही जीत के आएंगे वो हमारी तरफ से पहले से घोषित है, वो मुख्यमंत्री हैं और यही होने वाला है। इसको सभी लोग अपने दिमाग में बिठा लें, कोई कोताही नहीं है। और ये बात पूरा हमारा पार्टी, पूरा संगठन, पूरा शीर्ष नेतृत्व तो सब की तरफ से है कि धामी जी आप फिर क्यों अफवाह फैला रहे हैं। एक मिनट दिल्ली में ये क्या बड़े नेता जो है क्यों अफवाह फैला रहे हो सुभाष गौड़? ये दिल्ली में आइसक्रीम खाने जा रहे हैं इंडिया गेट पे सारे, इसका मतलब तो ये हुआ कि सारे इंडिया गेट पर आइसक्रीम खाने जा रहे हैं देहरादून से आकर। सुनीता मैडम मुझे ये समझा रही हैं। देखिए चावला जी देखिए दिल्ली के जो दौरे हैं जैसे आपने बोला कि भीतर घाट वाली बातें उठ रही हैं, इधर से ये कंप्लेंट्स आ रहे हैं, वो कंप्लेंट्स आ रहे हैं, तो ये सारी चर्चाएं होती है। इतना बड़ा परिवार है और अभी इतने बड़े परिवार का कर रहे हैं मैडम, इतना भी कांग्रेस ने झेला। आपके यहाँ उत्तर प्रदेश के चुनाव में इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं, कांग्रेस वाले गए नहीं दिल्ली, आप पहुंच गए दिल्ली, है ना? आइसक्रीम खाने तो गए नहीं कोई वहाँ इंडिया गेट पर खड़े होकर। समीक्षा करनी है 5 साल के कार्यकाल की। सुभाष कौर बिल्कुल 5 साल की। हम देखिए, हमने जनता से भी जब वोट अपील की हमने यही कहा कि हमारी परफॉर्मेंस पे हमें वोट कीजिए, हमने अगर आपके बीच में खड़े होके काम किया है तो आप हमें जिताइए। हमने ये कभी नहीं कहा कि सीएम तो हम ही है, आप जिताओ ना जिताओ कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस भुलावे में नहीं है, एटलीस्ट हमें इस तरीके का कोई फोबिया नहीं है। हम जानते हैं जैसे ही बहुमत में सरकार आएगी हमारे धामी जी मुख्यमंत्री होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में आगे चुनाव लड़े जाएंगे और हम सत्ता में रहेंगे। लेकिन इनके यहाँ तो एक खेमे को प्रीतम जी का खेमा कहता है, हरीश रावत जी ने क्या बोला, देखिए हमारे यहाँ कोई खेमेबंदी नहीं है, हमारे यहाँ कोई खेमेबंदी नहीं है, खेमेबंदी को भाजपा के अंदर है और आप अपनी खेमेबंदी को संभाल ली क्योंकि आप यहाँ ज्यादा खेमेबंदी है और एक व्यक्ति नहीं खेमेबंदी का है। देखिए हमारे यहाँ तो प्रीतम जी सर्वमान्य नेता है, हरीश रावत जी सर्वमान्य नेता है, हमारे यहाँ कोई खेमेबंदी नहीं है और हमारे यहाँ कुर्सी के लिए ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, मारा मारी नहीं है कि लाइसेंसिंग करने के लिए दिल्ली पहुंच जाए। सीएम का ताज पहन के ना घूम रहे होते, हमारे यहाँ पे धामी जी मुख्यमंत्री बने, हरीश रावत जी को लग रहा है जैसे कांग्रेस को एक फोबिया है तो हम कोई काम कर दे। डॉक्टर साहब निशंक जी क्या लाइसेंसिंग करने के लिए दिल्ली पहुंचे, क्या रिपोर्ट देने के लिए दिल्ली पहुंचे? सुभाष गौड़ हमारी गवर्नमेंट ने बनाई थी। सुभाष इनको लगता है कि भाजपा आ रही है, भाजपा लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंट होकर कह रही है, मैं मान लेता हूँ। सुनीता जी ने कहा कि धामी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, धामी जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, मैं आपकी बात स्वीकार कर लेता हूं, 10 तारीख तक का इंतजार कर लेता हूं। लेकिन सुभाष एक बात मुझे बताओ, ये निशंक एक्टिव होते हैं, जब जब एक्टिव होते हैं तब तब उत्तराखंड की सियासत यूं डोलने लगती है, अब भी निशंक एक्टिव हुए, पहला पहलू। और दूसरा पहलू आपसे जानना चाहूंगा, क्या कांग्रेस की तरफ से भी कोई डैमेज यानी रडार पर लेने की कोशिश कर रहा है या फिर सब कुछ हरीश रावत के छोड़ दिया गया है कि जो करना है आप करिए?
बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि रमेश पोखरियाल निशंक जी जब भी उत्तराखंड में कहीं ना कहीं सक्रियता उनकी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अंदरूनी बीजेपी में कुछ ना कुछ चल रहा है और वो कहीं ना कहीं नज़र भी आने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से सबसे पहले रमेश पोखरियाल निशंक जी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की, हालांकि ये ज़रूर बीजेपी के तमाम नेता कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि एक औपचारिक मुलाकात है, चुनाव के बाद मुलाकात एक औपचारिक की जाती है और उसी के तहत वो गए, लेकिन उसके बाद ठीक उनके बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पहुँच जाते हैं और आज प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धाम भी पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जब उत्तर प्रदेश पहाड़ी ये कहा जाता है साथ में साथ ही राज्यों में चुनाव चल रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली के चक्कर अगर उत्तराखंड के नेताओं के लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ ज़रूर बीजेपी के अंदर चल रहा है। और जैसे कि आपका सवाल है कि कांग्रेस में भी क्या तैयारी हरीश रावत के अलावा कोई कर रहा है, तो बिल्कुल प्रीतम सिंह कहीं ना कहीं तैयारी करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो भी कहीं लोगों से साधते हुए नज़र आ रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ जो भी उनके साथ यानी कि उनके खेमे के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं स्थिति को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी जिनके जीतने की उम्मीद सबसे ज़्यादा लग रही है उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और वहाँ भी वो स्थिति है जैसे बीजेपी में भी यही स्थिति है कि बहुमत नहीं आता तो निर्दलियों पर जिसका सबसे ज़्यादा कब्जा होगा, जो उनको लेकर आएगा, उसको कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। वहीं कांग्रेस में तो ये कहा जा सकता है कि इस समय हरीश रावत ये मान रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे सरकार अगर उनकी आती है, यानी कि वो जीत कर 10 तारीख को जीतते हैं तो उनकी सरकार बनाने में वो मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वहाँ भी चुनौतियाँ वही हैं जिसके पास ज़्यादा विधायक होंगे, निर्दलीय ही नहीं वहाँ तो ये भी है कि विधायक जिसके पास ज़्यादा होंगे, कांग्रेस के ही विधायकों की अगर संख्या भी गिने, जिसके पास विधायक ज़्यादा होंगे वो अपनी पैरवी करता हुआ हाईकमान के सामने नज़र आएगा, चाहे वो प्रीतम सिंह हो चाहे वो हरीश रावत हो। इसके साथ ही क्योंकि निर्दलीयों की भूमिका भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो निर्दलीय प्रत्याशी जो लेकर आएगा, जो निर्दलीय प्रत्याशियों का समर्थन लेने की कोशिश करेगा तो उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस में फायदा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन क्योंकि हरीश रावत कि ना तुम जीते ना हम हारे और तीसरा ले जाए बाजी, कमलेश मैडम समझ रही है ना आप, ना तुम जीते ना हम हारे कोई तीसरा ही बाजी ले जाए। आप कमलेश मैडम जरा मुझे एक बात समझाइए कि ये निशंक जी एक्टिव हुए आप लोग इतने परेशान क्यों हो जाते हैं, होने दीजिए एक्टिव। देखिए रहे एक्टिव, हमें कोई चीज से तकलीफ नहीं है, अगर वो एक्टिव है तो हमें कोई परेशानी नहीं है। मैंने पहले ही कहा उनके घर का मामला है, लेकिन जैसा कि सुनीता जी ने अभी बताया कि हम लोग समीक्षा करने के लिए हमेशा के लिए जाते हैं। सवाल दागा, उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए लेकिन धामी जी ही चेहरा है, धामी जी ही मुख्यमंत्री होंगे। अब इसमें भी आपको दिक्कत है, निशंक जी को कुछ भी करने दीजिए ना, क्यों परेशान हो? देखिए उनका कौन मुख्यमंत्री होगा कौन नहीं होगा इससे हम लोगों को कुछ नहीं लेना देना है। हम लोगों को तो ये चाहिए कि इस प्रदेश का भला कैसे होगा, इस प्रदेश में साफ सुथरी सरकार किसकी बनेगी जो लोगों के काम कर सके, जो इस जनता की भावनाओं के अनुरूप इस प्रदेश का विकास कर सके। और अगर ऐसी सरकार बनती है तो इस प्रदेश की जनता ने जो भी मेमोरेंडम दिया है इस वक्त 10 तारीख को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ठीक है कोई बात नहीं, देखिए भाजपा सत्ता में रही है 5 साल तो उनको ये भरोसा है कि हमने बहुत अच्छे काम किए और हम आने जा रहे हैं, लेकिन सरकार की खुद समीक्षा हो रही है, खुद वहां पर पूछा जा रहा है कि आपने क्या किया। और अगर आपने कुछ किया है तिलक जी तो आपने दिल्ली वाले बाबा का नाम लेकर के क्यों वोटिंग मांगी, क्यों वोट मांगी लोगों से? आपको यहाँ के विधायक यहाँ के मंत्री उत्तराखंड की सरकार के नाम से वोट मांगना चाहिए था। चलिए हम उससे भी कोई गुरेज नहीं करते, वो आपका अपना अंदरूनी मामला हो सकता है, पर हमारा प्रिय है और हमारे डबल इंजन को जनता के प्रति जो हमारा हमारे लिए इतने सम्मानित जो हमारा अपना काम करने का तरीका है, कांग्रेस को पता है कि किस तरीके से हम जनता के सवालों पर खड़े उतर सकते हैं। हमने जो जनता के लिए 2012 से 2017 तक काम किया था, आप भी लाइए, लेकिन कोई बात नहीं, दल बदल की राजनीति करके हमारी सरकार को गिराया गया, कहीं ना कहीं षड्यंत्र तो इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार इस प्रदेश की जनता ने एक तरफा वोटिंग करके बता दिया कि वो किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं और कांग्रेस सुनीता जी कौन सी दुनिया में आप जी रहे हैं? ये मुंगेरी लाल के सपने लेना छोड़िए, हकीकत में रहिए। अगर आप जनता के बीच में देखिए हम बिल्कुल हकीकत में हैं, हम आपकी तरह साठ का नारा नहीं लगाते, हम आपकी तरह सत्रह का नारा नहीं लगाते, हम साठ के
कमलेश मैम, आपने अपनी परफॉर्मेंस से दोबारा सत्ता में आ रही है। सुनीता मैडम, एक सवाल का जवाब जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हर सेक्टर में काम कर रही है, आपको तो उतने सेक्टर मालूम भी नहीं होंगे जितने सेक्टर में काम हुआ है। मैं सारे सारे सेक्टर और फैक्टर बताता हूं। एक मिनट सुनीता मैडम, कमलेश मैडम जनता खुद जानती है, गूगल करती है आज की जनता। कोई हरीश रावत के जुमले नहीं सुनती बैठ के कि सुबह हुई और हरीश रावत ने एक जुमला फेंका और पूरा आज मालकुआ में पोस्टल बैलेट नहीं पहुंचे, आज हमारी ईवीएम खराब हो गई, आज ईवीएम में गड़बड़ी हो गई। क्यों इतना अविश्वास आपको? अगर आपने जनता के बीच में काम किया है तो आप निश्चिंत रहिए, 10 मार्च को अगर आपके ऊपर बिल्कुल निश्चिंत है, आप संभालिए अपने नेताओं को। हो गया कमलेश मैडम, हो गया कमलेश मैडम, सुनीता मैडम, आप राजनीति करने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस नहीं कर रहा, कांग्रेस की सरकार संकट लगी है, जो बहुमत से आने जा रही है। कमलेश मैडम, सुनीता मैडम, सुनीता मैडम, कमलेश मैडम प्लीज, एक मिनट, हो गया एक मिनट। अवधेश जी जरा मुझे एक बात बताइए। चलिए सुभाष तो बता रहे थे कि दिल्ली वाले एक सज्जन हैं, 2016 की भूमिका जिनकी अहम रही थी वो एक्टिव हो गए हैं, 2016 में जिनकी भूमिका एक्टिव हुई थी अब वो फिर से 2022 में एक्टिव हो गए हैं। दिल्ली के बड़े नेता है, मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, नाम मत बुलवाइएगा फिर देहरादून आना मुश्किल हो जाएगा, वो एक्टिव हो गए हैं। सुभाष बता रहे थे मुझे दोबारा से वो उत्तराखंड की सियासत में एक्टिव हो गए जैसे 2016 में एक्टिव हुए थे। सुनीता जी भी एक्टिव हो गई है उनका नाम सुनके। अच्छा भाई, मैं तो एक्टिव रहती हूँ, हमारी पार्टी एक्टिव रहती है, सोई थोड़ी ना रहना पॉलिटिक्स में हम लोग बहन। मैडम मैं वही बता रहा था, मैंने कमलेश मैडम को आपके सामने कहा ना कि आपकी पार्टी कौन सी दूध की दुली है। रुक जाइए एक सेकंड, अवधेश भाई मुझे एक बात बताइए कि बीजेपी इतना एक्टिव हो चुकी है, मैं गोवा की फैक्टर से जोड़ के बता रहा हूँ, बीजेपी इतना एक्टिव हो चुकी है कि मध्य प्रदेश वाले सज्जन को उत्तराखंड एक्टिव कर दिया 2016 का अनुभव देखते हुए। अब संकट मोचन जिन्हें कहा जाता है निशंक उत्तराखंड की सियासत में, कि दो चार की कमी पड़ी तो निशंक जी तो ले ही आएंगे, वो एक्टिव हो गए, पूर्व मुख्यमंत्री एक्टिव हो गए, लेकिन कांग्रेस में क्या हरीश रावत को अकेले छोड़ दिया गया है कि कर सकते हो तो भैया कर लो वरना फिर थैंक यू नमस्ते जय हिंद। बिल्कुल तिलक जी, देखिए जो 2012 का जो घाव कांग्रेस ने दिया था जब एक सीट से बीजेपी पिछड़ गई थी और एक सीट से कांग्रेस आगे निकल गई थी और कांग्रेस ने जो है एक रात में ही पूरा खेल बदल दिया था और तमाम जो निर्दलीय और बसपा के लोग हैं उनको अपने साइड कर लिया था, तो कहीं ना कहीं वो 2012 का घाव जो है बीजेपी को रह रहकर जो है याद आता है। लेकिन अब वो बीजेपी 2012 वाली बीजेपी नहीं रही है जब बीजेपी जो है सिद्धांतों की बात करती थी, मूल्यों की बात करती थी। आज बीजेपी चेंज हो गई है, अब बीजेपी कमर्शियल हो गई है पूरी तरह से, बीजेपी हर चीज को जानती है, बीजेपी के पास सारे संसाधन हैं, सरकार बनाने के संसाधन हैं, निर्दलीय को और निर्दलीय या जो दूसरी पार्टी के लोग हैं उनको अपनी साइड लाने के संसाधन है, तमाम चीजें बीजेपी के पास हैं। 2012 की स्थितियां अलग हुआ करती थी, तब जो है अटल आडवाणी जी के आदर्श थे, तमाम बहुत सारी चीजें थी, तब जो है बीजेपी एक अलग रुख पे थी, अब बीजेपी एक अलग रुख पे है। मतलब कह सकते हैं कि तब बीजेपी एक नॉर्मल ट्रेन थी, आज बीजेपी एक बुलेट प्रूफ जो बुलेट ट्रेन है वो है कि बीजेपी हर राज्य में सरकार बनाने को लेकर ये इनके इन प्रकार हर तरह को सोच के चलती है, चाहे गोवा की स्थिति हो, मणिपुर की स्थिति हो, किसी भी राज्य की, चाहे महाराष्ट्र की स्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, आप दिल्ली कांग्रेस का जी बिल्कुल
हरीश रावत को छोड़ जी बिल्कुल कांग्रेस का अगर बात करें तो प्रीतम गुट पूरी तरह से एक्टिव है। अगर हरीश रावत जी अभी सिंगल अकेले है, लेकिन जो प्रीतम गुट है जिसमें प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव हो गए, खुद प्रीतम सिंह हो गए, आरिंदर शर्मा हो गए और तमाम रंजीत रावत हो गए, तमाम ये लोग एक्टिव है। इन लोगों ने लगभग जितने लोगों से बीजेपी की बातचीत हुई, गुट वाले तो अब देश एक्टिव होंगे। मैं जैसे कहा कि दिल्ली बीजेपी दिल्ली वाले ने देखते हुए उनको उतारा है रण में, तो जी 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 कोई दिखाई दे रहा है दिल्ली वाला? देखिए कांग्रेस में दिल्ली वाला इसलिए दिखाई नहीं देगा कि जो कांग्रेस के जो दिल्ली के जो बड़े नेता थे, जो इस तरह का पूरा राजनीति का जो ये माहौल समझते थे, उनमें से कुछ लोग तो अलग हो चुके हैं और कुछ लोग मेरे ख्याल से अहमद पटेल तरीके लोग इस दुनिया में नहीं रहे, जो कि तमाम चीजों को समझते थे कि कहां से फंड इरेज होना है, कैसे लोगों को मैनेज करना है, वो नहीं रहे। और तो अब बीजेपी की एक नई पौध है और नई पौध के हाथ इतने खुले हुए नहीं है कि वो क्विक डिसीजन तमाम डिसीजन ले सके। छोड़ दिया, ओके सुभाष, मैं चाहूंगा क्योंकि मुझे कार्यक्रम वाइंड अप करना है, और सुनीता मैडम और कमलेश मैडम दोनों को जरा वो जो हमने ओपिनियन पोल किया था जरा एक बार इनको याद दिलाइए, क्योंकि उसके बाद कुछ बीजेपी नेताओं ने बोला कि कैसे क्यों भैया हम तो 60 पार वाले हैं, क्यों चला दिया ये? सुभाष एक बार फिर से याद दिलाओ, फिर मैं 10 तारीख को फिर इनसे बात करूंगा और फिर हो सकता है हम गलत हों, लेकिन वो ओपिनियन पोल एक बार फिर से याद माना जा सकता है। जो हमारा ओपिनियन पोल था जिसमें हमने सभी क्षेत्र के लोगों से बातचीत की थी, स्थानीय लोगों का ये कहा जाता है वोटिंग करवा के हमने पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ हमने कोशिश की कि एक अच्छा हम कहीं ना कहीं पोल करते हुए नजर आए, लेकिन जो बहुमत की बात कही जा रही थी बीजेपी की तरफ से 60 पार, कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं थी, कांग्रेस भी कह रही थी 45 सीटों के साथ हम सरकार बनाएंगे, पूर्ण बहुमत हमारा भी आएगा, लेकिन जिस तरीके से नतीजे आए उसके बाद स्थितियां साफ थी कि निर्दलियों पर भरोसा ज़्यादा रहेगा, निर्दलीय प्रत्याशी जिसको समर्थन देंगे, जिसकी तरफ रुझान ज़्यादा करेंगे, उसकी सरकार बनने के लिए राह आसान हो जाएगी। उसमें ये नहीं है कि बीजेपी के लिए करें, उसमें कुल मिला के बात ये कही जा रही थी कि आखिरकार निर्दलीय प्रत्याशी जिसको समर्थन देंगे सरकार बनाने के लिए उसकी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रही थी। और इतना ही नहीं, कुछ छोटे दल यू उत्तराखंड क्रांति दल हो, आम आदमी पार्टी के हो, या फिर जिस तरीके से बसपा हो हरिद्वार में, और क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या तो कही जा रही कि बढ़ सकती है पिछली बार की तुलना में, तो इस बार उम्मीद ये की जा सकती है कि सरकार बनानी है तो निर्दलियों पर भरोसा करना जरूरी होगा, निर्दलियों को समझाना जरूरी होगा, निर्दलियों को अपने पक्ष में लेना जरूरी होगा। ठीक, अवधेश जी, सुभाष जी की बात में एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि सर तिलक सर इसमें यह भी हो सकता है कि जो 2 या 3 निर्दलीय है वो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री तय कर दें, वो बोल दें कि हम समर्थन तब देंगे जब इस व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देंगे। ना तो हम सुनीता जी की सुन रहे हैं, ना हम कमलेश जी की सुन रहे हैं, हमारी पसंद तो ये चेहरा है, अगर इस चेहरे को आप लेके आते हैं तो हम समर्थन दे रहे हैं, नहीं तो आप सरकार बना लीजिए अपने हिसाब से। जी बिल्कुल, तो सुनीता मैडम, कमलेश मैडम, 29 से 34 बीजेपी और 31 से 36 ये था हमारा ओपिनियन पोल। अगर हम गलत होंगे, मैं खुले मंच पर कह रहा हूं कमलेश मैडम, हम अपनी गलती को स्वीकार करेंगे, सार्वजनिक रूप से हम स्वीकार करेंगे कि हमने गलत किया, हमने गलत दिखाया, हम उसके लिए माफी मांगते हैं, खेद प्रकट करते हैं। कोई ऐसा चैनल नहीं होगा जो खुलेआम ये बात बोले, दावा कर दे हम बोल रहे हैं। हो सकता है हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, जो था हमने वही हूबहू जनता के माध्यम से जनता को दिखा दिया। तो 10 तारीख को होगी मुलाकात, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, सुनीता मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कमलेश मैडम आपका भी, अवधेश जी आपका भी, और सुभाष मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, धन्यवाद तिलक भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है सियासत उत्तराखंड की, अभी देखिए 10 तारीख से पहले कितना बवाल है, अब सोचिए कि 10 तारीख को नतीजे आएंगे उसके बाद क्या होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।